अपने रिकॉर्डिंग लगा। हाँ, मैं इसमें यह बता रहा था, जिसका अगर ऑर्गेनिक में कुछ लोग सोच रहे हो सर हिस्ट्री आयशा मेरी जान बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। बट इस पेपर में जो संडे को पेपर हो, तो मैं GOC 2 इसलिए दिया था क्योंकि GOC 2 का यूज होने वाला है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ प्रोटोमेरिज्म का यूज करना है रिएक्शन मैकेनिज्म में। और उसके अलावा मैंने बताया था वहां पे कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें अब GOC का आने वाला है। तो जो लोग फेस के लिए अच्छे से रिवाइज किए तो उसके लिए तो ठीक है, जो लोग अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो GOC 2 को या GOC 1 को, उसको अब रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कुछ याद हो, जब 11th में पढ़ रहे थे मैंने कई बार रिपीट करके बताया था तुम लोगों को कि GOC, GOC 1, GOC 2 तो बहुत ज्यादा रोल आता है रिएक्शन में। तो टाइम अब आ गया, तो उसको अगर रिवाइज नहीं भी किया कुछ लोग, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें तो वैसे तुम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो कि NCERT के अकॉर्डिंग 11th का पार्ट है, बट हम लोग कुछ दो तीन लेक्चर में बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका क्या क्या यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे, देन हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे आएंगे। और हाइड्रोकार्बन का आई थिंक सबको मॉड्यूल मिल चुका होगा, बताओ कुछ लोग बता भी रहे थे कुछ लेक्चर में एक मॉड्यूल मिल गया शायद हाइड्रोकार्बन का। बताओ सब लोग बताओ, मॉडल तो मिल गया हाइड्रोकार्बन का सबको। चलो ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन का सबको मिल गया है तो ठीक है। तो अभी जो चैप्टर है बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन ही स्टार्ट करेंगे, बट हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे आने से अभी जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम डालोगे इसमें बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, चैप्टर का जो नेम होगा इसमें बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो और उसके बाद एक चैप्टर का नेम ही अलग से होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब NCERT में तो नहीं बट एक अलग से मॉड्यूल मिलेगा उसको, फिर हम हाइड्रोकार्बन के बाद देखेंगे। बट हाइड्रोकार्बन दो लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करें, कुछ पहले उससे बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे है। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करते जाओगे यहाँ पे है, और यहाँ से लेक्चर किसी का मिस ना हो, अभी तक जितना भी पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो तो अच्छे से हम लोग किए ही है, बट जो लोग नहीं भी अच्छे से किए या फिर हिस्ट्री पीछे का, बट यहाँ से लेक्चर मिस ना हो तो यहाँ से भी आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सीखने का सबसे बेस्ट यही से है, यहाँ से अगर मिस हो जाता है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल हो जाएगा आगे। तो एक लास्ट चांस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, यहाँ से भी अगर ध्यान देते जाओगे थोड़ा थोड़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हो। तो ठीक है, मुझे स्टार्ट करता है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन्स, टेक्स प्लेस बिटवीन आयन्स व्हाइल एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, व्हाइल एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, व्हाइल एन ऑर्गेनिक रिएक्शन आर मोलिकुलर इन नेचर, आर मोलिकुलर इन नेचर, फुल स्टॉप, इट इन्वॉल्व्स विथ, इट इन्वॉल्व्स विथ वन मॉलिक्यूल, इट इन्वॉल्व्स विथ वन मॉलिक्यूल और टू,
और मोर देन टू मॉलिक्यूल और टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल फर्स्ट पॉइंट क्या इसमें कि जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होगा जो तुम्हें कराया जाएगा ट्वेल्थ में पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक या एस ब्लॉक भी पढ़े होगे तो उसमें जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो वो जनरली किस नेचर का होता है आयनिक नेचर का दैट मींस उसमें आयन्स इन्वॉल्व होते हैं जबकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे वो किस नेचर का होता है मोलिकुलर नेचर का दैट मींस उसमें मोलिकुल इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में और जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है इट इन्वॉल्व्स विद वन मॉलिक्यूल एक अकेला मॉलिक्यूल भी होगा जिसको सिर्फ हिट करने वाले एक नया प्रोटॉन बन सकता है और टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकता है तो पहला पॉइंट तो ये समझना है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन आयनिक नेचर का होता है जनरली जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन किस नेचर का होता है मॉलिक्यूलर नेचर का दैट उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में ऑर्गेनिक रिएक्शन में चाहे एक मॉलिक्यूल आ रहा हो टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अब कोई भी रिएक्शन है चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो तो उसमें क्या होता है एक रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट और फाइनली वो किसमें कन्वर्ट होता है वहां पे प्रोडक्ट में तो कोई भी रिएक्टेंट और फाइनली किसमें होता है प्रोडक्ट अब जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पे वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है वो जो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा तो फर्स्ट को बोलते हैं सबस्ट्रेट फर्स्ट वर्ड इज सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट एंड सेकंड वन अटैकिंग रिएजेंट अब देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है यहाँ पे जो रिएक्टेंट में दो पार्ट है सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट तो सबस्ट्रेट क्या होता है ऑन व्हिच इज बीइंग अटैक देखते हैं दोनों समझते हैं और अटैकिंग रिएजेंट व्हिच अटैक टू द सबस्ट्रेट Which attacks to the substrate. ध्यान से सुन लो यहाँ पे कि रिएक्टेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट अब ये सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट क्या है तो जो सबस्ट्रेट होता है ऑन विच इज बींग अटैक जिस पे अटैक किया जा रहा हो मान लो कि दो स्पेसीज को एक है यहाँ पे कोई भी स्पेसीज दो स्पेसीज है यहाँ पे कोई दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जिस यहाँ पे नेम से क्लियर है कि सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट तो जो सबस्ट्रेट होता है उस पर क्या होता है कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा होता है और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है व्हिच अटैक्स टू द सबस्ट्रेट क्लियर है यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट का जो दो कंपोनेंट आ रहा है सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा उसका कुछ बॉन्ड डिसोसिएट होगा कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा देन कुछ नया प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पे मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो रियल लाइफ का देखिए बोर्ड और डस्टर की बात करो हम लोग तो अगर डस्टर से अगर अटैक किया जाए किसी बोर्ड पे तो बोर्ड का कुछ कंपोनेंट ब्रेक होगा कुछ पार्ट ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तभी तो कुछ नया प्रोडक्ट बन पाएगा उसमें लेकिन तो उसको बोर्ड नहीं बोलेंगे वहां पे कुछ नया नेम दे देंगे वहां पे क्लियर है यहाँ पे है तो रिएक्टेंट का दो कंपोनेंट है सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट जिसपे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट और जो सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा अटैकिंग रिएजेंट क्लियर है यहाँ पे है कि सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट जो आपस में रिएक्ट करेगा इसमें वही एक नया पॉइंट बना पाएगा यहाँ पे यहाँ तक नोट डाउन कर लो जल्दी से फिर आगे देखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल एक कहानी की तरह है यहाँ पे ध्यान से देखते जाओगे स्टार्टिंग से बहुत ही आसान सा पार्ट है और एक पॉइंट अभी माइंड में फिट कर लोगे कि ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन को रटना नहीं होता है बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है उसको समझ सकते हो
यहाँ पे मैं दोनों को अगर एक पॉइंट में लिख दूं, यहाँ पे लास्ट में ओवरऑल क्या होता है, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, यही फाइनली क्या बनाता है यहाँ पे है प्रोडक्ट। कोई भी यहाँ पे सबस्ट्रेट है अटैकिंग रिएजेंट, कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाना है तो अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट या कोई मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस नेचर का रहेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मॉलिक्यूलर नेचर का, तो किसी मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा होगा अटैकिंग रिएजेंट। वो देखते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या रहेगा, तो आगे देखते हैं। तो सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा एक नया प्रोडक्ट बन पाएगा। कर लिया यहां तक, नोट कर लिए सब लोग? बिल्कुल सर, चलो नोट कर लो पहले, तो नोट भी करो। बाकी क्वेश्चन आता है कि सर सब्सट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट जब आपस में रिएक्ट करता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इसका एक प्रॉपर हो, एक मैथमेटिक्स में तुम पढ़े होगे 10th तक में, उसमें एक स्टेप होता है, चाहे फिजिक्स में भी पढ़ता है कि स्टेप फॉलो किया जाता है, किसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में पता चल पाता है किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद क्या करना है, कुछ मेमोराइज भी करना रहता है कि अटैकिंग एजेंट क्या होगा, सब्सट्रेट क्या होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट इसका भी प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही नोट डाउन करना है, यहाँ पर जो एक टर्म रिएक्शन तो ठीक है, एक टर्म आ रहा है मैकेनिज्म, इसका क्या मीनिंग होता है, कुछ बता सको मैकेनिज्म वर्ड का क्या मीनिंग है? तो देखते हैं यहाँ से मैकेनिज्म जो वर्ड आ रहा है इसका मैकेनिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बाकी कुछ लोगों को पता है, बिल्कुल प्रोसेस बोल सकते हो, प्रोसेस सबों का करेक्ट है बिल्कुल। इस चैप्टर का एनसीईआरटी में अभी कुछ नेम नहीं है, मैं बताऊंगा यहाँ पे, मैंने क्या बताया बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सिंग अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो दो लेक्चर लोग, दो से तीन लेक्चर ये बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर का नेम है वो हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करेंगे, जो कि 11th का जब बुक देखोगे उसमें हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक के पार्ट में दिया गया है, क्लियर है? तो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दो लेक्चर के बाद वो क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन। बट उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक चैप्टर में यूज, ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये हर एक चैप्टर में यूज होगा, जितना भी हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, देन वी स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। कर लिया यहां तक नोट डाउन कर लिया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें मिक्सम को डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे मिक्सम क्या होता है, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो, मैं ऑर्गेनिक की बात ऑर्गेनिक में लिख रहा हूँ, बाकी किसी भी रिएक्शन का डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म।
So the detailed step by step description of an organic reaction is called a mechanism. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, मैंने जो पीछे एक पॉइंट बताया हुआ था इसमें, पेज पे आता हूं मैं अभी, इसमें जो पॉइंट था कि कोई भी अटैकिंग एजेंट अगर किसी सब्सट्रेट पर अटैक करता है तो सब्सट्रेट का वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे, तो कोई भी अटैकिंग एजेंट अगर सब्सट्रेट पर अटैक करता है तो उस मॉलिक्यूल का क्या ब्रेक होगा। जैसे कोई भी अगर मान लो कि कोई डस्टर है किसी बोर्ड पर अटैक किया जाता है, वहां पे क्या होगा, बोर्ड ब्रेक करेगा, किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करता है वहां पे, उसमें क्या होगा, जो बॉन्ड होगा प्रेजेंट वहां पे उस मॉलिक्यूल में, वो बॉन्ड डिसोसिएट होता है वहां पे। जब भी कोई अटैकिंग एजेंट किसी सब्सट्रेट पर अटैक करता है तो सब्सट्रेट का उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएट होता है, क्योंकि जो एटम है वो तो डिसोसिएट नहीं होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर नेचर का रहता है वहां पे, एटम का वैसे भी पता है कि डिसोसिएशन नहीं होता वहां पे, बॉन्ड यहाँ पे डिसोसिएट क्या होगा, बॉन्ड। तो नेक्स्ट यूनिट डालना है कि कोई भी अटैकिंग एजेंट जब सब्सट्रेट पे अटैक करेगा, किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, उसका क्या डिसोसिएट होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और ये चीज लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट डालो इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, और ये आई थिंक यूसी टू में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कितने टाइप का आ रहा था कुछ याद हो। जो आंसर बता रहे इसमें बिल्कुल दो टाइप का कौन कौन सा था वो भी बता सकते हो। ऑल रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय इनिशिएटेड बाय बॉन्ड डिसोसिएशन। कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो स्टार्ट कहां से होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। सही बिल्कुल आंसर, टू टाइप्स का रहेगा, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। इसी को बस यहां पे जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं। तो फर्स्ट है इसमें यहाँ पे होमोलाइटिक, क्या रहेगा मेनली टू टाइप्स का, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। Two types of bond dissociation. First one is homolytic and heterolytic. Second, homolytic bond dissociation. अब यहाँ पे देखने की जो homolytic bond dissociation होगा इस केस में, ये होता कब है, ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं कि जो होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन है उस याद हो, किस मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, मतलब अनमिट करके भी सिंपली बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दोबारा याद हो जाएगा सब लोगों को कि होमोलाइटिक, होमो का मतलब क्या है, सेम, और जब सेम दैट मीन्स जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है, आंसर सबका सही है उसमें, नहीं इसमें क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, रेडिकल जनरेट होता है, नॉन पोलर ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, बट इसमें लिगेंड्स का बहुत ज्यादा, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ लिगेंड, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है। दो आंसर इसमें बोल सकते हो, रेडिकल जनरेट करता है वो तो सही है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ये नॉन पोलर, या ये बोल सकते हो सर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेम इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम और सिमिलर, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा तो उसके में भी हो सकता है, ये एग्जैक्टली सेम, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उस केस में क्या होगा, वहां पे होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो, कोई A2 मॉलिक्यूल हो A और A, और इसको किसी फॉर्म में अगर एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, ये A2 मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा इसका बॉन्ड,
अब जब यहाँ पे क्या रहा है, ये भी ए एटम और ये भी ए, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा वो तो क्या रहेगा, सेम। और जब इसको एनर्जी मिलेगा किसी भी फॉर्म में, वो आगे देखेंगे हम लोग, जैसे इसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलता है तो ये क्या होगा, बॉन्ड एसोसिएट होगा। और होमो का मतलब क्या था, सेम। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, आफ्टर डिसोसिएशन ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होता है, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, दैट मीन्स ए फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाए तो ये क्या हुआ, ए फ्री रेडिकल। क्लियर है यहाँ पे है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन क्या जनरेट करता है, फ्री रेडिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कहीं भी होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा कब, ये कैसे पता चलेगा, तो बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में या सिमिलर। एग्जांपल्स की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, देखिए सीएल टू मॉलिक्यूल है यहाँ पे, या बी आर टू होता है यहाँ पे, इसको अगर एच न्यू के फॉर्म में अगर एनर्जी दिया जाए, जैसे इसको एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा, ये सीएल टू मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, सीएल फ्री रेडिकल, सीएल फ्री रेडिकल। या इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड हो यहाँ पे, इधर कोई पीएच ग्रुप हो, फिनाइल रिंग हो, इधर भी फिनाइल रिंग हो, इधर मिथाइल हो, इधर मिथाइल हो, या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, तो कोई भी पेरोक्साइड हो उसको अगर किसी भी फॉर्म एनर्जी मिल जाता है या नॉर्मली भी, तो किस तरीके से ब्रेक होगा यहाँ पे है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, सेम एटम के बीच में प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, आर ओ फ्री रेडिकल प्लस ओ फ्री रेडिकल आर। क्लियर है यहाँ पे, ऐसी ऑलरेडी वो पहले भी पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ से दोबारा से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होने वाला है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो और लास्ट पॉइंट नोट भी कर लो। एच के बगल क्या लिखा, ये एच न्यू, एच के साइड में सर एक बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है एच न्यू, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े होगा सब लोग एटोमिक स्ट्रक्चर में, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है, ये क्या होता है क्या पूछ रहे हो, एक बार वो पिछला पेज ओपन कीजिए ना, पहला वाला। बिल्कुल, अगर नोट नहीं कर पाते हो बट कोशिश करो कि सब लोग टाइम से ज्वाइन करें यहाँ पे है। तो मैं देख रहा था कि 7:40 तक मात्र 40 या 45 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए थे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे न्यू क्या था, ये मैं बता रहा था कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये ई क्या होता है एनर्जी, और एच प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू फ्रीक्वेंसी, ये एच न्यू ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू के फॉर्म में इसको एनर्जी दिया जाएगा या सनलाइट के फॉर्म में, तो फिर ये फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट खुद से लिख लोगे कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, लिख भी देता हूँ, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, जल्दी से इसको कॉपी करो, ये तो पढ़ा हुआ चीज है इसमें। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा, टू टाइप्स का, फर्स्ट देख रहे थे होमोलाइटिक और सेकंड वन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, कुछ भी रटना नहीं अलग से। ये क्या होता है होमोलाइटिक कब होगा, जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेम एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा होमोलाइटिक,
और टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है अगर वो बॉन्ड, वहां पे क्या होगा हेट्रोलाइटी। और होमो का मतलब क्या था कि दो बॉन्ड, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता। मैंने यहाँ पे Cl2 लिया, बट जनरली जितना भी हेलोजन है वो इस तरीके से Br2 I2 इस तरीके से डिसोसिएट हो पाता है, और एक पेरोक्साइड। ये दो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है होमोलाइटी का, इसको तो याद ही रखना। कल एक कॉपी यहां तक कर ले सब लोग। सर वो फ्री के बाद क्या लिखा है? फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, RaDiCl फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल, ठीक है। कर लिया, यहां तक कॉपी कर लिया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर, तो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड वन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अब देखना कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कब होता है, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहां पे, इन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे, है मान लो कोई एक जनरल सा मॉलिक्यूल हो ए और बी, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, एन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब ए बी टाइप का आ रहा है यहाँ पर और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा होगा, ये जो सेड इलेक्ट्रॉन पेयर का अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी होगा वो बी की तरफ ज्यादा होगा। तो बी पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है इसी मॉलिक्यूल में, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। जिस पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है इसके तरफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ पे, और फाइनली जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाती है क्या पोलर मॉलिक्यूल, ये भी बोल सकते हो यहाँ पे। पिछला केस क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये क्या होगा पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और इसको जैसे वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा ये क्या होगा ए प्लस, और ये बी माइनस में ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एंड बी माइनस, ये क्या बन रहा है केटायन एन एनायन बन रहा है यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल कोई भी ले लूँ यहाँ पे रियल में, ये कि HCl आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू किसका ज्यादा है Cl का, तो ये जब भी डिसोसिएट होगा ये बॉन्ड H एंड Cl के बीच का, वो कैसे डिसोसिएट होगा एच प्लस एंड Cl माइनस, क्लियर यहाँ पे है। ये एक एग्जांपल और मैं लो यहाँ पे है कि CH3 और यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है कुछ याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन थ्री, ये क्या होता है थ्री, ये कुछ डाटा तो मैं सही सब लोगों का, वो क्या होता है थ्री, और ये sp3 कार्बन आ रहा है जो जिससे कि क्लोरीन अटैच है जिस कार्बन से, उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है यहाँ पे sp3 है, इसका जो वैल्यू होता है 2.5, ये भी मैंने GOC में क्लास में बता रखा है। sp3 कार्बन का
sp2 कार्बन का एंड sp कार्बन का, ये sp3 कार्बन का 2.5। तो कार्बन एंड क्लोरीन में डिफरेंस आ रहा इलेक्ट्रॉन के पहलू का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और जब फाइनली इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ये किस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे है CH3 और ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और ये क्या बन जाएगा Cl-। तो इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केटायन और एनायन। बट वही अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बोकेटायन। सिंपल सा, इन जनरल किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो केटायन, एंड वही पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन एटम पे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। और नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे आता है तो कार्बेनायन, जो कि ऑलरेडी GOC2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट नोट कर लेते लास्ट में कि होमो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स केटायन एंड एनायन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स केटायन एंड एनायन, जनरेट्स केटायन एंड एनायन। तो बहुत ही सिंपल सा, कुछ भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो सेम एटम के बीच में अगर आ रहा है तो होमोलाइटिक को डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर वो डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होता है, हेट्रोलाइटिक। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ, सब लोगों को शायद याद होना चाहिए, ये जो कार्बोकेटायन आ रहा है इसमें, इसमें नंबर ऑफ अल्फा सीएच कितना आ रहा है, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है, बाकी उसका यूज नहीं, बस यहाँ पे पता होना चाहिए ये। सही है सब लोगों का आंसर, वो क्या रहेगा इसमें, 9। सही है सब लोगों का। ये कुछ बेसिक से सबको पता हो कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना होगा, रेजोनेंस कहाँ पे होगा, क्योंकि सारी चीजों का यूज होने वाला है आगे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले सब लोग। तो अभी जब स्टार्ट कर रहे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट दो पार्ट दो टाइप का था, सब्सट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। तो अभी तक हम देख रहे थे जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी सब्सट्रेट पे किसी मॉलिक्यूल पे जब अटैक करेगा तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएट होगा वो कितने टाइप से होगा, दो टाइप से, होमोलाइटिक और या फिर हेट्रोलाइटिक। अब सोचना कि यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम लोग अटैकिंग रिएजेंट। और उसको समझ चुके हैं, डिफिनेशन देख चुके हैं अटैकिंग रिएजेंट का, कि विच अटैक टू द सब्सट्रेट, जो सब्सट्रेट पे अटैक करता है जो रिएजेंट उसी को क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कर ले यहाँ तक कॉपी कर ले सब लोग, यस सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यस सर। तो ठीक है नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम देख रहे थे जो पहले पढ़ चुके थे बॉन्ड डिसोसिएशन, नेक्स्ट है टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। Types of attacking reagent. तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है मेनली क्या रहेगा, थ्री टाइप्स का सकते, इसमें कुछ से यहाँ पे पॉइंट में लिख भी दूंगा यहाँ पे, कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड वन पीरियडिकल। पीरियडिकल यहाँ पे कौन लिख भी सकते थे इसके जस्ट ऊपर कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट, या मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। थ्री टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट, मैं शॉर्ट में देता हूँ इसको, ए आर एफ अटैकिंग रिएजेंट। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड वन पीरियडिकल। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे टर्म है उसको समझना है, यहाँ पे ध्यान दें कि जो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड आ रहा था यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना हुआ ये वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग तो क्या, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, और फाइल वर्ड का जो मीनिंग होता है यहाँ पे उसको बोलता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग स्पेसिस या लविंग स्पेसिस, लविंग या अट्रैक्टिंग स्पेसिस। तो फाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लविंग। शॉर्ट में यही बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, एक ऐसा स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन से लव करे, सिंपल सा है, लविंग या अट्रैक्टिंग स्पेसीज। फाइल एक ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, लविंग या अट्रैक्टिंग स्पेसीज, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रॉन से आ रहा था। ये तो शॉर्ट में समझ ली है, एक ऐसा स्पेसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे उसको लोग क्या बोल पाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन उसको नोट कर लोगे यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, वही तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा वहां पर। क्लियर है यहाँ पे है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन नोट कर लेगा यहाँ पे है। अब मॉलिक्यूल और आयन, अब मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट अब मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। विथ कार्बन, कार्बन का ब्रैकेट में लिख लेना है जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो क्या रहता है, कार्बन। इलेक्ट्रोफाइल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को मैं इंडिकेट कैसे करता है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ ई प्लस, कैपिटल ई और ऊपर प्लस साइन दे दिया जाए, सुनो क्या बोले इलेक्ट्रोफाइल। अ मॉलिक्यूल ऑफ आयन विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सटा सकते यहाँ पे accepts a pair of electron to make a covalent bond with carbon, generally carbon ke sath bond ka formation karta hai, is called electrophile. Clear hai yahan pe hai, ab ek point ye bataoge isme, ek aisa species jo lone एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, लोन पे तो एक्सेप्ट करे,
और एक ऐसा स्पेसिस जो लोन पे कोई एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविस एसिड या लिविस बेस, बताओ सब लोग। एसिड, लिविस एसिड। सही है बिल्कुल सब लोगों का। वो क्या होता है लिविस एसिड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो बेसिक बता रहा हो। बट लुइस बेस क्या होता था, लोन पे डोनर और लुइस एसिड लोन पे एक्सेप्ट है। तो वो पॉइंट हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो। कल कॉपी कर लिया था सब लोग। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये भी बोल सकते हैं ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा जब पेरा पेपर को एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। एक पॉइंट ये भी आप कॉपी कर लेना था यहाँ पे, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी जनरली। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा जनरली मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी उसका ऑप्टेट पूरा भी होता है, फिर भी वहां पे अगर हाइयर इलेक्ट्रोटम कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रोफाइल कर पाता है, तो आगे मुझे अलग से देखेंगे वहां पे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब पेरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ये क्या हो जाएगा, लिविस एसिड। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेते हैं, इट इज अ लिविस एसिड। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, वो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स क्या होगा, जनरली जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में यहाँ पे शब्द नोट कर लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज एग्जाम्पल में इसमें H प्लस, CH3 प्लस, CH3, CH2 प्लस, Cl प्लस, जो भी टाइप से आ रहा है यहाँ पे, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, लिख सकते हैं यहाँ पे। H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, सोच के बताओ। H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 0 0, तभी तो H प्लस को क्या बोलते हैं प्रोटॉन। H प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है फॉर कंप्लीटिंग डुप्लेट। CH3 प्लस के पास जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वहां पे, वो पेरा पेपरों को एक्सेप्ट कर सकता है, इस तरीके से सोचना है। और जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है वो क्या होगा वहां पे, इलेक्ट्रोफाइल होगा। बट H3O प्लस एंड NH4 प्लस, अब H3O प्लस से NH4 प्लस की बात करें तो NH4 प्लस H3O प्लस में देखोगे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, काउंट करके देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम 8 8, तो
तो पॉजिटिव चार्ज तो है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और सेम ऑप्शन पे भी देखोगे यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो है ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, फिर भी ये क्या होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के चलते ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? बट H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट किसे किया था, E प्लस। तो हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ पे है? उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी होना चाहिए वहां पे। और इसका एक NO2 प्लस जो है नाइट्रोनियम आयन, इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, यहाँ पे इसका रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे वैसे ऑक्टेट यहाँ पर भी कंप्लीट रहता है, बट NO2 प्लस में नाइट्रोन का जो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नाइट्रोजन से दो दो हायर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम ऑक्सीजन कनेक्टेड है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या होता है 3.5, नाइट्रोजन का 3, तो नाइट्रोजन एटम से दो दो इलेक्ट्रो निगेटिव कनेक्टेड है और पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड विक बॉन्ड भी होता है, दैट मींस यहाँ पे NO2 इस नाइट्रोजन पे आकर के अटैक कर पाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो NO2 प्लस एक स्पेशल केस है, ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो दो हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कनेक्टेड होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये अट्रैक्ट करके रह पाता है, यहाँ पे और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बट हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रोनियम अमोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है और बच्चे गलत करके आते हैं, सर यहाँ पर आपने तो कोई चार्ज बताया था, बट ये भी बता रहा हूँ यहाँ पे उसका ऑक्टेट अगर कम्प्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है ये पॉइंट, आगे हम देखते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट। इसको क्लियर ले यहाँ पे समझना, और कहीं भी कुछ डॉट आता तो पूछना यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी लिविस एसिड हो, कोई भी लिविस एसिड आ रहा हो लाइक AlCl3, SbCl5, FeCl3 एटसेट्रा। मैं वही एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसके अलावा एक आध और आता है बट मोस्टली यही यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो AlCl3, एल्युमिनियम के पास वैसे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, बट एल्युमिनियम के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल भी है और बैकेंड पी भी है, इवन इसके पास SbCl5। यहाँ पे एंटीमोनी के पास क्या होता है बैकेंड डी ऑर्बिटल, एफी है, इसके पास भी क्या होगा बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जो भी स्पेसिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है उसको क्या बोलते हैं लिविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। यहाँ पे ये सब क्या आ रहा है, यहाँ पे लिविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, थर्ड टाइप का एग्जाम्पल इसी में। स्पेसिस हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, चाहे और डी हो या पी हो, वैकेंट ऑर्बिटल, एग्जाम्पल PCl5, SO3। PCl5 में फास्फोरस का जो डी ऑर्बिटल वो क्या होता है वैकेंट, सल्फर भी थर्ड पेयर का एलिमेंट है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, PCl5 SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर पाता है, क्योंकि इसका वैकेंट डी और वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, देखिए BH3, तो BH3 के पास भी क्या होता है B2H6 डायबोरन का ये मोनोमर है, BH3 जब डायमराइज हो जाता है तो B2H6 बन जाता है, तो BH3 के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट मीन्स ये सब भी क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एड कर पाएगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है,
ये अपने बैकएंड डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, ये बैकएंड डी ऑर्बिटल में पैरा सिस्टम को एक्सेप्ट कर पाएगा। इसके अलावा है कुछ और स्पेसीज है, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे CCl2O या फिर CH2O, इस स्पेसीज को क्या बोलते हैं कुछ याद हो कि नहीं को। CCl2 और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, CH2 इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं? एनीवन? CCl2 या CH2 को, तो ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन। कुछ याद हो लो, कुछ पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत GOC2 में। तो कार्बिन जो होता है CCl2 और CH2, जिस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और दो क्लोरीन है वहां पे, इसके बाद सोचना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इस कार्बन के पास। एनीवन सोच के बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन एटम। तो कार्बन यहाँ पे टू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, नहीं एट नहीं है यहाँ पे, देख लो गए सिक्स, वो क्या है सिक्स, सही है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स प्रोटॉन क्या है सिक्स, और इसके पास में प्रोटॉन सिक्स ही है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर लोन पेयर है ये डोनेट करेगा, नहीं, ठीक है लोन पेयर है बट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका जो टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ही होता है, दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं लोग, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है यहाँ पे, यही फोर टाइप का यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, कि पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन, बाकी कोई भी लिविस एसिड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, अगर वैकेंट ऑर्बिटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहे, ये सब भी क्या है लिविस एसिड है, ऐसा नहीं सिर्फ ये लिविस एसिड है, ये सब भी लिविस एसिड है क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड, बट जनरली हम लिविस एसिड में ये सब को यूज करते हैं, इसे मैंने अलग से कैटेगराइज किया इसको, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लिविस एसिड है, क्योंकि मैंने ऊपर में लिख रखा है कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लिविस एसिड, बाकी कार्बिन आ रहा है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ठीक है यहाँ तक कॉपी करो तुम लोग, फिर आगे देखते हैं लोग, ये आ रहा था इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पार्ट था इसमें सेकेंड अटैकिंग रिएजेंट, वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल। और ये वैकेंट ऑर्बिटल किस एटम की बात कर रहा होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल, स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एट सेंट्रल एटम, फास्फोरस सेंटर में ही रहेगा, सल्फर सेंटर में रहेगा, सराउंडिंग एटम क्या रहेगा इसमें, क्लोरीन ऑक्सीजन। कर ले नोट कर ले यहाँ पे है, इसमें कहीं भी कोई डॉट लगता है तो मैं अक्सर ये इलेक्ट्रोफाइल कहते तो वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, बट मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूँ यहाँ पे कि FeCl3 HbCl5 इसके पास क्या है, बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है वहां पर, इसके चलते वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो पाएगा। कर ले कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें।
नेक्स्ट है इसमें सेकंड वन निकली हो फाइल, यहाँ भी सेम मीनिंग है, फाइल का तो सेम मीनिंग है, दैट मीन लविंग स्पेसिस या अट्रैक्टिंग स्पेसिस। तो यहाँ पे आया न्यूक्लियो, दैट मीन यहाँ पे क्या आता है न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है लविंग स्पेसिस, दैट मीन न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे कैसा स्पेसिस, और न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस को लगता था जो न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करे। देखते हैं उसका मीनिंग क्या है वहां पर, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का। ये तो मैं शॉर्ट में देख रहे थे न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, यहाँ पर नोट करना कि न्यूक्लियोफाइल और इसको जो इंडिकेट करता है वो यहाँ पर NaO- ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका डायरेक्टली एग्जाम में भी यूज कर दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म। NaO- को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, एंड इलेक्ट्रोफाइल को किसे इंडिकेट करते E+, कैपिटल E+। न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम, जनरली टू मेक अप कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों डिफिनेशन सिंपल सा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, और वो क्या था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, जस्ट उसका उल्टा। एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये एक वर्ड ऐड कर लेते इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम, जनरली किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन एटम को, टू मेक अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है वहां पे, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस केस में वहां पे है, कोई भी कार्बन एक्सेप्ट कर पाता है, जो भी कार्बन वहां पे एक्सेप्ट करता है जनरली कार्बन रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा कार्बन, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या रहेगा कार्बन। अब देखने की अगर इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं लिविस एसिड या लिविस बेस, ये क्या रहता है यहाँ पे बेस, सही है ये क्या रहता है लिविस बेस, क्लियर है यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं इस टाइप से इट इज अ लिविस बेस या सिंपल लिविस बेस, अंडरस्टूड था वो इट इज अ लिविस बेस। तो इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको दो कैटेगरी में यहाँ पे मिलने डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा इसमें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल NaO- दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल। अब देखना कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का जो एग्जांपल्स होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में
H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अंडरस्टूड है। H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, RNH माइनस एटसेट्रा। और जहां भी नेगेटिव चार्ज वहां पे अंडरस्टूड है कि यहां पे क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या फिर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहां पे CH3 माइनस, कोई भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, RNH माइनस, CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस। जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पेस है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और इसमें देखना कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्राइटेरिया में क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें यहाँ पे इसमें देखिए वाटर H2O, H2O के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट और इसका ऑक्टेट पूरा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा किसी कार्बन को। NH3 वाटर आ गया, नेक्स्ट है इसमें अमोनिया NH3, इसके पास भी क्या न्यूट्रल है ये, बट इलेक्ट्रॉन पेयर है, अपना डोनेट कर पाएगा किसी कार्बन को। कोई अल्कोहल आ रहा हो ROH, ये भी क्या है तुम्हारा इसमें न्यूक्लियोफाइल, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। अमाइन आ रहा हो RNH2, ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो सिंपल सा है कि कोई भी लिविस बेस है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा एटसेट्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। जनरली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जनरली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग कंपेयर भी करेंगे, जैसे कि हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़े थे कि बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर कर रहे थे कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा वीक बेस, वैसा ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी हम लोग आगे कंपेयर करेंगे। एक पॉइंट ये ध्यान रखना इसमें कि जनरली जो भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें करता क्या था, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन। क्लियर है यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलने का मीनिंग उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यहां तक कॉपी कर लो सब लोग पहले।
पिछला जो मैंने बताया था यहाँ पे कि सीसीएल टू और सीएच टू का केस आता है स्पेस में, अभी यहाँ पे लोन पेयर है फिर भी ये निकली हुई फाइल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ पे लेट मुझे इलेक्ट्रोफाइल पर एक्ट करता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। इसके अलावा जनरली अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं पे और उसका ऑप्टेट कम्प्लीट है वो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही करना चाहेगा। यहाँ पे जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है या नेगेटिवली चार्ज विद इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका ऑप्टेट कम्प्लीट है या हाइड्रोनेट उसका डिफरेट कम्प्लीट है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना चाहेगा। डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल या लिविस बेस। कर ली कॉपी, कर लिया था सब लोग? यस सर। तो ठीक आगे बढ़ते हैं फिर हम। यस सर। तो ठीक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफाइल का एक स्पेशल टाइप है उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो सबको पता भी है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका जितना अगर सफिशियंट है जितना रख सकता है कि वाटर के पास दो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है अमोनिया में, तो अगर लोन पेयर जितना उसके पास ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है जितना वो कंटेन कर सकता है उतना ही तो अनस्टेबल क्यों होगा? वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आता है वहां पे तो अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल के लिए जनरली क्या होता है जब वो सराउंडिंग में बहुत लार्ज एटम हो तो जनरली जितना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इतना इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है वहां पे देट इज स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल नहीं होगा वहां पे। तो ठीक है देखते हैं इसमें है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये याद हो कुछ हम लोग पढ़े थे एम्बिडेंट लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था वो कुछ याद हो? डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन्स। सही बिल्कुल, स्पेसिस हैविंग टू डिफरेंट डोनर साइड दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है स्पेसिस हैविंग, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है और लिगेंड्स भी क्या होता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता था, स्पेसिस हैविंग हैविंग टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइड टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइड क्लियर है। और इसका एग्जांपल जो था वहां पे सेम एग्जांपल यहाँ पे CN माइनस NO2 माइनस HCN माइनस भी ले सकते हो बट उसका यूज यहाँ पे कम होता है, उसके अलावा CH3 C डबल बॉन्ड S यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड S O माइनस। ये CN माइनस का तो मैंने डिटेल में पहले बता रखा है, NO2 का भी नाइट्रोजन के साइड से भी कनेक्ट हो सकता है और ऑक्सीजन के साइड से भी, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है बट मैंने पीछे एग्जांपल नहीं लिया हुआ था क्योंकि एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस। ये CN माइनस ये NC माइनस भी हो सकता है, नाइट्रोजन के साइड से भी कनेक्ट हो सकता है और ये नाइट्रोजन के साइड से भी एंड ऑक्सीजन के भी साइड से कनेक्ट हो सकता है। और एक ये भी एग्जांपल है ये ऑक्सीजन के साइड से भी कनेक्ट हो सकता है क्योंकि अभी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और आफ्टर रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज सल्फर पे भी आ जाएगा तो सल्फर के साइड से भी कनेक्ट हो सकता है। ये सब क्या होता है इसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस ये एम्बिडेंट लिगेंड्स के ही तरह है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो न्यूक्लियो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या आ जाता है तुम्हारा CN माइनस NO2 माइनस HCN माइनस भी है वो भी आ जाएगा वहां पर या फिर एक कैटेगरी का एच सी डबल बॉन्ड एस और ओ माइनस, यहाँ पे सल्फर पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी भी साइड से डोनेट कर सकता है यहाँ पे, बट वन टाइम्स किसी एक ही साइड से डोनेट करेगा, ऐसा नहीं कि कार्बन के साइड से भी और नाइट्रोजन के साइड से भी, क्योंकि ये किस कैटेगरी का लिगेंड था कुछ याद हो मोनोडेंटेड लिगेंड था, ये सर किसी एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हम लोग देख रहे थे इसमें अटैकिंग रिएजेंट में
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है एंड देन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। थर्ड था इसमें फ्री रेडिकल जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, थर्ड अटैकिंग एजेंट फ्री रेडिकल। वैसे कुछ नया नहीं, ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं जीओसी टू में, बस इसको एक बार फिर भी हम लोग दो मिनट में इसको देख लेंगे। बट तुम्हारा होमवर्क आज का ये है कि जो लोग होमवर्क नहीं किए क्वाड्रेंट कंपाउंड का डीपीपी, तो डीपीपी उसमें जो भी चार पॉइंट डीपीपी होगा क्वाड्रेंट कंपाउंड से रिलेटेड उसको कंप्लीट करना है, और एक बार जीओसी टू को रिवाइज करना है स्पेशली बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट। तो लास्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लियरली देख रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक लिविस बेस है, इसका भी जो हम लोग बेसिसिटी कंपेयर करेंगे या न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ के ही अकॉर्डिंग कर पाते हैं वहां पर, तो एक बार रिवाइज करना है। चलो ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। बट अभी होमवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, तो जो पिछला चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका अभी तक वही होमवर्क है, उसका डिप्लीट करोगे उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉर्मल केमिस्ट्री। चलो ठीक है, फिर आज मैं सेशन एंड करता हूँ इसमें।